आज एक काम करता हूँ, बारबेक्यू पे खाना बनाता हूँ, क्योंकि बारबेक्यू पे बने खाने का स्वाद ही अलग होता है। तो जल्दी से अपने बारबेक्यू को स्टार्ट करता हूँ। अरे स्टार्ट हो जा। नहीं। अरे हो जा भाई स्टार्ट। इसका सिलेंडर तो खत्म नहीं हो गया ना? एक सेकंड। नहीं यार, सिलेंडर तो बिल्कुल फुल है, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? अरे शिनचैन। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, बोलो यार। बारबेक्यू स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा यार, इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ मैं। अरे बस इतनी सी बात, आपने सिलेंडर को चेक करा कि नहीं? अरे हाँ, मैंने सिलेंडर भी चेक कर लिया, गैस तो पूरी है उसमें, फिर भी नहीं जल रहा यार। ओ ऐसी बात है क्या? फिर तो मेरे को ही कुछ करना होगा। क्या करेगा तू? मैंने भी तो सब कुछ ट्राई कर लिया। अरे आपके ट्राई करने में और मेरे ट्राई करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस नहीं, डिफरेंस होता है वो। और क्या डिफरेंस है ये बता मेरे को। अरे रहने दो, अब सब कुछ मेरे हवाले छोड़ दो, आप जल्दी से पीछे हो जाओ। अरे क्यों करेगा क्या ये तो बता। अरे मेरे पे छोड़ दो ना सब। अच्छा ठीक है, चल ठीक है, मैं पीछे हो जाता हूँ, कर जल्दी से जो करना है। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले मैं इस वाली टेबल पे चढ़ जाता हूँ, और अब देखो शिनचैन का जलवा। अरे शिनचैन ये क्या कर रहा है यार तू? अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। गाइस यार इन लोगों को और कोई काम नहीं है क्या यार? जैसी आग लगती है वैसी पहुंच जाते हैं। अरे रुको तो सही फ्रैंकलिन भैया, अब देखो बारबेक्यू के अंदर रखा हुआ सारा खाना पक गया होगा। लेकिन मैं क्या करूंगा उसका, मेरे को नहीं खाना तेरी पास से पका हुआ खाना। अरे रुको भाई साहब, हटो यहाँ से, हमें आग बुझाने दो। अरे यार ठीक है लो, तुम आग बुझा लो हानी तो पहले। वैसे बुझा क्या रहे हो तुम, यहाँ पर तो इतनी सारी लगी पड़ी है। अरे इतना आसान थोड़ी है शिनचैन की पात की आग को बुझाना। और नहीं तो गैस के पिछवाड़े में तो ड्रैगन बैठे हैं ना, कि जो आगे मारेगा तो फिर उसको कोई बुझा ही नहीं सकता। अरे वाह बिल्कुल सही बोला, मुंह मत रख तू अपना। अरे वाह गाइस, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से दबा दो, और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसी खतरनाक अमेजिंग वीडियोस को रोज देखने के लिए। अरे वैसे फ्रैंकलिन भैया, अभी भी आप वो खाना खा सकते हो, उसमें बल्कि और भी ज्यादा टेस्ट अच्छा हो गया होगा, क्योंकि मेरी पास से जो पका है। अरे हाँ फ्रैंकलिन, थोड़ी सी चॉकलेट सॉस यहाँ पे पड़ी है, अगर चाहिए तो ले लेना। तुम दोनों पागल पागल तो नहीं हो ना हनी? तो हर समय दिमाग खराब करके रखते हो। अरे बात आप बिल्कुल सही बात बोली। अरे गाइस यार इन दोनों ने तो बिल्कुल दिमाग खराब कर रखा है भाई, मैं क्या ही करूं इनका। थोड़ी देर के लिए टीवी देख लेते हैं यार, तो देखते हैं आज न्यूज में क्या चल रहा है आखिर। कहा जाता है कई सालों पहले इसी जंगल के अंदर सिलेंडर मैन को मारने वाला खंजर छुपाया गया था। आज भी वो राज है कि वो खंजर आखिर इस जंगल में गया तो गया कहां। आज भी कई सारे लोग उस खंजर को ढूंढने यहां आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सिलेंडर मैन उनके पीछे पड़ जाता है और उन्हें जान से मार देता है। तो आप ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत कीजिएगा, और हमारी सलाह जरूर मानिएगा कि इस खंजर को अब ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। अरे गाइस यार ये तो सिलेंडर मैन को मारने का खंजर है यार, मतलब यार ये तो हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। और गाइस ये कह रहे हैं कि सिलेंडर मैन पीछे पड़ जाता है अगर कोई उस खंजर को ढूंढने जाता है, लेकिन गाइस आपको तो पता ही हमारे पीछे वो वैसे पड़ा हुआ है, तो हमें तो कोई डरने की बात नहीं, उल्टा गाइस उससे तो हमारा फायदा हो जाएगा अगर वो चीज हमें मिल गई तो। शिनचैन तेरा क्या कहना है इस बारे में? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर वो हमें मिल जाए तब तो हम उन सबसे जीत सकते हैं। हाँ शिनचैन बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन यार हम उसे ढूंढने के कैसे? कहते हैं कई सारे लोग वहाँ पर गए थे ढूंढने, लेकिन किसी को भी नहीं मिल पाया वो। अरे वही तो सबसे बड़ी मुश्किल है, पता नहीं वो खंजर वहाँ पर है भी या नहीं। वही तो यार, पता नहीं कैसे ढूंढेंगे हम। एक सेकंड, आयरन मैन का कॉल। हेलो आयरन मैन। अरे हेलो फ्रैंकलिन, तुमने अभी देखा कि न्यूज में क्या आया? अरे हाँ यार मैंने सब कुछ देखा, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया कि आखिर हम उस खंजर को ढूंढने के कैसे। अरे यार इतनी सी बात, मैंने एक डिवाइस बनाया जो कि मैंने तुम्हारे घर पे भी भिजवा दिया, उस डिवाइस की मदद से तुम वो खंजर ढूंढ सकते हो। अरे सच में क्या? हाँ हाँ, वो एक मेटल डिटेक्टर है जो कि स्पेशली उस खंजर को ढूंढने के लिए बनाया गया। अरे वाह यार, तुमने तो बिल्कुल सही वक्त पे सही चीज पहुंचा दी यार घर पे, लेकिन वो डिलीवरी वाला कहाँ पर होगा अभी? अरे कोई है क्या घर पे? एक सेकंड, मेरे को गाइस किसी की आवाज आई। अरे हाँ वो डिलीवरी वाला ही होगा। इतनी फास्ट? और नहीं तो क्या, मेरा प्रोफेशनल डिलीवरी वाला है, लॉस एंजेलिस में कहीं भी डिलीवरी कर देता है सिर्फ आधे घंटे में। अरे वाह यार ये तो सही चीज है। चलो गाइस यार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या डिलीवरी आई है हमारी। तो गाइस जल्दी से ऊपर चलते और देख लेते हैं कि क्या आखिर क्या ही चीज होगी हमारे लिए। एक सेकंड, ये कौन है? अरे भैया आपका पैकेज आया था शायद, मेरे को टोनी स्टार्क ने भेजा है। अरे हाँ तुम्हें भेजा है ना, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ वो मेरा ही पैकेज है, मेरे को दे दो। अच्छा ठीक है सर मैं चलता हूँ, अभी मेरे को और भी चीजों की डिलीवरी करनी है। अच्छा ठीक है तुम जाओ। हाँ ठीक है सर बाय। तो गाइस देखो यार यही है वो बॉक्स जिसके अंदर वो चीज आई है, तो जल्दी से इस बॉक्स को खोल लेता और निकाल लेता उस सामान को। तो गाइस यार ये देखो यार, ये अजीब सा डिवाइस पता नहीं क्या दिया है मेरे को टोनी स्टार्क ने, मतलब भाई ये कोई मेटल डिटेक्टर कह रहा था वो, जो कि यूज होता है गाइस मेटल को डिटेक्ट करने के लिए। मतलब यार हम इसकी बताई हुई डायरेक्शन पे जाएंगे तो हमें वो खंजर जरूर मिलेगा। तो गाइस अभी तो इसे रख लेता हूं गाइस मैं अपनी जेब के अंदर। अरे वाह यार इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से दबा दो। और शिनचैन अब जल्दी से रेडी हो जा। अरे कहां चलने के लिए? जंगल चल रहे हैं और क्या? हैं जंगल में जा रहे हैं क्या? और नहीं तो क्या? अरे रहने दो आप अकेले जाओ, मेरे को मरने का कोई शौक नहीं। अरे मरेंगे नहीं यार, तू चिंता मत कर, मेरे पास सब है। अरे ऐसा क्या है आपके पास एक बुरी शक्ल के अलावा? बहुत कुछ है मेरे पास, ठीक है ना, ढेर सारी गन्स लेके जा रहा हूँ मैं। वो ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है मैं चल लेता हूँ। हाँ ठीक है चल आ जा। तो गाइस यार अभी सबसे पहले तो मैं जंगल की साइड निकलता हूँ, और गाइस कोशिश करूंगा मैं जल्दी से जल्दी उस खंजर को ढूंढ के घर पे वापस आ जाऊँ। तो ये नहीं मेरी कार, इसी के अंदर बैठते हैं अब जल्दी से। अरे शिनचैन जल्दी से बैठना। अरे बैठ तो गया। तो फिर यार गाइस जल्दी से अब निकलते हैं वहाँ की और कोशिश करेंगे यार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस खंजर को ढूंढ के घर पे लाएंगे, और गाइस सिलेंडर मैन का खात्मा करेंगे यार, उसका काम खत्म करेंगे अब। हाँ बिल्कुल सही बोला, वैसे उसने इतना ज्यादा दिमाग खराब कर रखा है हमारा। हाँ शिनचैन वही तो गंदी बात है ना यार उसकी बस। तो देख शिनचैन यार हम फाइनली पहुंच चुके हैं जंगल के अंदर, अब जल्दी से यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं। वैसे फ्रैंकलिन भैया एक बात बोलूं? हाँ बोल। आपके ऊपर ये जंगल बहुत ही ज्यादा सूट करता है। क्यों, मैं टार्जन वार्जन जैसा दिखता हूँ क्या? अरे नहीं आप तो बिल्कुल बंदर जैसे दिखते हो, और एक बंदर के ऊपर जंगल बहुत ही ज्यादा सूट करता है।
अपना मुंह बंद रख तू हानी, तो तेरे से मैंने कुछ नहीं पूछा यहाँ पर। तो कहते यार अब यहाँ पर जल्दी से ढूंढ लेता हूँ मैं उस तलवार को। तो सबसे पहले तो मैं अपना डीजी स्कैनर निकालू जो कि मेरे को आयरन मैन ने भेजा है। तो गाइस ढूंढना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और गाइस मैं देखो यार यहाँ पर आगे की ओर बढ़ता रहूंगा इसी तरीके से। अरे गाइस पता नहीं फ्रैंकलिन भैया क्या करते रहते हैं, उनको छोड़ो हम कुछ और ढूंढते हैं, हम कुछ खतरनाक सी चीज ढूंढेंगे यहाँ पर। अरे सिंचन कहाँ जा रहा है? अरे मैं तो यहीं पर हूँ, आप शांति से अपना खंजर ढूंढो ना। अच्छा ठीक है, कहीं ज्यादा दूर मत जाइयो। अच्छा ठीक है, तो गाइस अब जल्दी से ढूंढ लेते हैं। खैर खंजर ढूंढ के क्या ही फायदा होगा। एक सेकंड, वो क्या चीज है अजीब सी? अरे ये क्या, ये तो कोई फ्रूट लग रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी से देखो मेरे को क्या मिला, बहुत ही खतरनाक चीज। अरे गाइस सिंचन को ऐसा क्या मिल गया यार, जाके देखना पड़ेगा मुझे कहाँ पर है वो। देखो गाइस वो रहा वहाँ पर, जल्दी से चलता हूँ इसके पास। अरे सिंचन बता क्या हुआ, ऐसे चिल्ला क्यों रहा था इतनी जोर की? अरे ये देखो फ्रैंकलिन भैया मेरे को क्या मिला, एक खतरनाक सा फल। खतरनाक सा फल? देखने में तो टमाटर जैसा है। अरे पर ध्यान से देखो ये तो टमाटर है ही नहीं, ये तो कुछ और है। हाँ यार बोल तो सही रहा यार, टमाटर तो नहीं है। अरे कहीं कोई जंगली रेयर फ्रूट तो नहीं? हाँ यार ये कोई रेयर फ्रूट ही लग रहा है मेरे को। एक काम करता हूँ ना, इसे मैं चख के देखता हूँ कि ये कैसा होगा। अरे रहने दो, जंगल की चीजों को हाथ नहीं लगाती। अरे छोड़ना सिंचन, ऐसा कुछ नहीं होता हानी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जहर होगा इसमें, और वो तो मैं तुरंत निकलवा दूंगा। और हमको तो कोई दिक्कत भी नहीं है यार, हमारे साथ तो आयरन मैन है ना। हाँ ये भी बात है। हाँ तो अब जल्दी से चख लेता हूँ मैं कि आखिर ये टेस्ट में कैसा है। अरे गाइस यार इसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा बुरा है यार। अरे मैं तो बोल ही रहा था फ्रैंकलिन भैया कि जंगल की चीजों को ट्राई मत करो। ओ यार सिंचन सही कह रहा था यार, तू बहुत ही गंदा टेस्ट है इसका, बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया यार। गाइस यार इतने गंदे टेस्ट वाली चीज मैंने आज तक नहीं चखी यार। एक सेकंड, ये मुझे क्या हो रहा है? ये मेरे को क्या हुआ था अभी, एक सेकंड, मेरे हाथों पे इतने लंबे लंबे बाल कहाँ से आ गए? अरे गाइस यार ये क्या चल रहा है, ये क्या हो गया मेरे साथ? अरे सिंचन तू कहाँ पर है? अब यार ये सिंचन कहाँ पर चला गया? सिंचन, अरे वो सिंचन, अरे यार ये मैंने क्या ही फल खा लिया यार, इसने तो मेरी ऐसी तैसी कर दी भाई बिल्कुल। अरे सिंचन कहाँ पर है? एक सेकंड गाइस यार सिंचन कहाँ पर चला गया यार, उसके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया ना यार? मेरे को अब उसे ढूंढना पड़ेगा भाई कहाँ पर चला गया यार वो। यार जल्दी से अपनी कार के अंदर बैठता हूँ गाइस मैं, और सीधा निकलता हूँ सिंचन को ढूंढने के लिए। अरे सिंचन यार कहाँ पर चला गया यार, पता नहीं। बच्चे अब तो तुम्हें हमने किडनैप कर लिया है, अब हम तुम्हारे मुंह मांगे पैसे लेंगे, जो भी तुम्हें छुड़वाने आएगा उससे। देखो अंकल तुम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, एक छोटी से मासूम से बच्चे को पकड़ के ऐसे किडनैप कर लेना अच्छी बात नहीं होती। ए बच्चे तू हमें सिखाएगा अच्छी बात क्या होती है क्या नहीं होती? मैं तो कहता हूँ उसके घर वालों को फोन करते हैं और फिर उनसे 10 लाख रुपए मांगेंगे। है ये क्या कह रहे हो तुम, सिर्फ 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए मांगना? अरे कैसे बच्चे हो तुम, यहाँ हमने तुम्हें किडनैप किया हुआ और तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा? अरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुमने किस बंदे से पंगा लिया है, अभी फ्रैंकलिन भी आते ही होंगे। अच्छा ऐसी बात है क्या, देखते हैं कौन है वो। तो गाइस यार मेरे को सामने की ओर एक झोपड़ा सा दिख रहा है यार, बड़ा सा झोपड़ा नहीं यार एक घर दिख रहा है बिल्कुल। तो यार इस घर के पास में चल के देखते हैं एक सेकंड, यहाँ पर तो गाइस सिंचन खड़ा हुआ है। अरे ये तो बिगफुट लग रहा है, भागो। हे ये बिगफुट है क्या, मेरे को भी अपने साथ ले चलो। अरे हाँ भागना होगा हमें तो यहाँ से, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक कुत्ते हैं। तुम लोग शांति से उस बच्चे को छोड़ दो ठीक है ना? अरे नहीं मुझे मत छोड़ना इसके हवाले, ये मेरे को खा जाएगा। अरे तुम्हें बचाएंगे, अपनी जान को बचाएंगे। अरे हाँ तुम इसे रख लो पर हमें छोड़ दो। हाँ ये हुई ना बात, अब छोड़ो उसे जल्दी से। हाँ ठीक है हम चलते हैं यहाँ से, 1 2 3। अरे इतनी तेज गायब हो गए, चल सिंचन मेरे साथ चल। अरे कौन हो तुम? अरे मेरे को नहीं बचाने का तूने, मैं तो फ्रैंकलिन। हे ये आपको क्या हो गया, इतने सारे बाल कैसे उग गए आपके शरीर पे, आप तो बिल्कुल बिगफुट लग रहे हो, बिल्कुल ये। अरे यार मैं क्या ही बताऊं सिंचन यार, उस फल को खाने के बाद से मेरे को कुछ भी याद नहीं है, पता नहीं यार मैं बेहोश हुआ था शायद, और फिर जब मेरे को होश आया तब मैं ऐसा था। वैसे एक बात बोलूं क्या, पहले आप कम बदसूरत थे क्या, जो आप और भी ज्यादा हो गए। मुंह मत रख तू अपना, मैंने जानबूझ के थोड़ी किया आप कुछ, ये सब पता नहीं कैसे हो गया अपने आप। मेरे को अगर पता होता ना तो मैं वो फल खाता भी नहीं यार, चखता तक नहीं मैं उस फल को। अब क्या करें, आपके ऊपर तो इतने सारे बाल उग गए तो लोग आपको हर जगह चढ़ाएंगे। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उनकी तरफ एकदम से चिल्लाओगे ना तो फिर उनकी जान निकल जाएगी आपकी शक्ल को देख के। हाँ खैर यार बोल तो बिल्कुल सही रहा है, लेकिन नहीं यार ऐसी घटिया शक्ल नहीं चाहिए मुझे। लेकिन यार अब मैं शक्ल को ठीक कैसे करूंगा, पर ये तो आपको देखना है अब। अरे यार सिंचन क्या करूं अब मैं बताता हूं क्या करूं। अरे तुम कौन हो अंकल? मैं यहीं पर रहता हूं कई सालों से, इस जंगल की रग रग से वाकिफ हूं। तुमने जरूर वो बाल उगाने वाली बेरी खाली होगी। बाल उगाने वाली बेरी, वो क्या होता है? अब इंसान के पूरे शरीर पे बाल उगा देती है, जरूर तुमने वही खाई है, उसका एक छोटा सा इलाज है। यहाँ पास में एक नदी बहती है, उसमें जाके नहा लो तुम्हारे साले बाल उतर जाएंगे। सच में क्या? अरे हाँ सच में, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं उस चीज का। अच्छा ठीक है तो फिर यार मैं जाता हूँ वही की ओर। आजा सिंचन मेरे साथ चल। अरे रहने दो, आपके जैसे बदसूरत इंसान के साथ जाने से बढ़िया है मैं यहीं पर रह लेता हूँ। मुंह मत रख तू अपना हानि, तो शांति से चल ले। अच्छा ठीक है चलता हूँ। तो गाइस यार अब जल्दी से कार के अंदर बैठता हूँ और सिंचन जल्दी से आके बैठ। अरे बैठ तो क्या। हाँ चल ठीक है अब चल लेते जल्दी से। अरे वैसे एक बात बोलूं फ्रैंकलिन भैया, क्या इस नदी में नहा के आप क्या ही करोगी, आपके ऊपर ये लंबे लंबे बाल सूट करते हैं। मुंह मत रख तू हानी तो अपना, इतने सारे लंबे बाल है वो, उनका मैं करूंगा क्या आखिर। अरे करना क्या है, उनको हम शेव करके रख लेंगे और फिर उनसे ऊन बनाएंगे और फिर उस ऊन के कंबल बना के बेचेंगे, जिससे बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे हम। पागल वागल तो नहीं हो गया ना तू, इन बालों का ऊन नहीं बन सकता, ये भेड़ बकरी के बाल थोड़ी है इंसान के बाल है। वो ऐसी बात है क्या, मेरे को लगा किसी के भी बालों से ऊन बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस यार अब जल्दी से उतर के जल्दी से नहा लेता हूं अब इसके अंदर, तो शायद उससे मेरे ऊपर के बाल उतर जाएंगे। फ्रैंकलिन भैया एक बात बोलूं क्या,
था। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि रहने तो मत नहाओ, मुंह मत रख तो अब रहा नहीं तो। तो गाइस अब मैं जल्दी से नहा लेता हूँ इस पानी के अंदर। तो गाइस देखो मैंने डुबकी मारी है गाइस फाइनली, अब देखते हैं क्या होता है मेरे साथ। अब जल्दी से बाहर निकलता हूँ गाइस मैं। अरे वाह यार मैं तो वापस से वैसे ही हो गया यार पहले जैसा। देख शिनचैन यार मैं हो गया ना पहले जैसा। वैसे फ्रैंकलिन भैया मैं बोलना तो नहीं चाहता लेकिन आप पहले से ज्यादा सुंदर लग रही हो। अरे हाँ यार थैंक यू यार ये तो मैं जानता हूँ। अरे वाह यार इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से दबा दो। अरे हाँ गाइस जल्दी से दबा दो आइंदा से। लेकिन यार मैंने एक बात सीख ली कि मैं यार जंगल में कभी भी जाऊंगा ना यार तो वहाँ पर किसी भी चीज को ऐसे उठा के नहीं खा लूंगा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है वरना। मैं तो बोल ही रहा था आपको कि मत खाओ, आप ही को जोश चढ़ा था, कह रहे खा लेता हूँ ना कुछ नहीं होता मेरे को। अरे हाँ यार बोल तो सही रहा यार, एक काम करते हैं ना अब जल्दी से खंजर को ढूंढ लेते हैं हम। अरे कौन सा खंजर? अरे वही जो सिलेंडर मैन को मारने के लिए चाहिए। अच्छा चलो चलते हैं। हाँ चल अब जल्दी से आ जा। एक सेकंड मेरे को आयरन मैन का कॉल क्यों आ रहा है ये? अरे हेलो फ्रैंकलिन। अरे हाँ आयरन मैन बोलो। वो खंजर तुम्हें मिला क्या? अरे नहीं यार वो तो नहीं मिला मुझे। हाँ वो मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सिलेंडर मैन ने उसे खुद ही छुपा रखा है। असलत में कहा जाता है वो खंजर डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो तो फालतू में ये न्यूज चैनल वाले अब जाके उस बात को निकाल ले। वो वाला खंजर तो पता नहीं कितने सालों पहले ही गुम हो रखा है और वो उस जंगल में नहीं है, वो सिलेंडर मैन के पास ही है। अच्छा तभी मैं सोचू यार कि वो सिलेंडर मैन डरता क्यों नहीं किसी से। हाँ वही बात है बस। ओ चल शिनचैन आज आप घर चलना है। अरे पर घर क्यों चलना है? क्योंकि सिलेंडर मैन को मारने वाला कोई खंजर नहीं है इस दुनिया में। ऐसी बात है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। ओ तभी मैं सोचू वो इतना ज्यादा ताकतवर बन के क्यों घूमता है। हाँ बिल्कुल सही सोच रहा है। चल आज आप जल्दी से गाड़ी में बैठ, जल्दी से घर की तरफ निकलते हैं और कोशिश करेंगे गाइस कि हम जल्दी से जल्दी घर पे पहुंच जाए। अरे रुको तो सही, मुझे मारने का खंजर ढूंढना है चलो। अरे शिट यार यहाँ पर तो सिलेंडर मैन आ गया, जल्दी से निकलो यार यहाँ से। अरे रुको अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? अरे शिट यार वो बंदा तो यार बिल्कुल ही पीछे पड़ गया यार, सिलेंडर मैन कहाँ से आ गया यहाँ पर। अब जल्दी से गाइस मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे फैक्ट्री भैया जल्दी से तेज तेज भगाओ। अरे हाँ शिनचैन यार वही कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो गाइस जल्दी से घर की तरफ निकलता हूँ यार मैं। यार सिलेंडर मैन कहाँ से आ गया यहाँ पर? 2 hours later। तो गाइस यार देखो फाइनली मैं घर के पास आ चुका हूँ, जल्दी से अंदर चल लेता हूँ घर के। भाई यार सिलेंडर मैन हमारे पीछे आ गया था जस्ट, पता नहीं यार उसे पता कहाँ से लगा कि हम यार यहाँ पर उसको मारने का खंजर ढूंढने आए थे। जल्दी से यहीं पर अपनी कार को पार्क करता हूँ। और गाइस यार कितना ज्यादा बड़ा स्क्रैच पड़ गया यार मेरी कार पे। खैर चलाई भी तो आपने ही है, फिर तो स्क्रैच पड़ना ही काम बात थी। मुंह मत रख तू अपना। तो गाइस अब जल्दी से अंदर चल लेते हैं। यार गाइस एक बार मैं घर में भी चेक कर लूं यार कहीं सिलेंडर मैन ना हो यहाँ पर। तो जल्दी से मैं यहाँ झांकू तो यार यहाँ पर सिलेंडर मैन तो नहीं है। वैसे फ्रैंकलिन भैया आपने देखा सिलेंडर मैन हमारे पीछे किस तरीके से आया था? बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह। हाँ यार बोल तो बिल्कुल सही रहा है। हाँ वही तो। अच्छा चल ये सब छोड़, अब तेरे को कुछ बोलना है क्या लोगों से? हाँ कैसे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और आज भी मैं करूंगा 30,000 लाइक्स का, मुझे पता है हमेशा की तरह इसे भी पूरा करवा दोगी, तो प्लीज इसे भी जल्दी पूरा करवा देना। और हाँ अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर इन दोनों पे फॉलो कर सकते हो, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। तो गाइस मैं फिर से मिलूंगा आपसे किसी ऐसे ही खतरनाक एडवेंचरस वीडियो के साथ और फ्रैंकलिन भैया की बंदर जैसी घटिया शक्ल के साथ। मुंह मत रख तू अपना हानि, तो आज बंदर जैसी शक्ल बना दी तूने। और नहीं तो क्या, आप बने भी तो बंदर ही थे। हां तेरे को बताऊंगा मैं किसी दिन।